केवल भगवान और गुरु दोनों में एक भाव रख करके, भगवत भाव रख करके ईश्वरीय क्षेत्र में चलना है। और कोई भी उसके परिवार का हो या कहीं हो, श्रद्धा रखो, भावना रखो, नारकी जीव के प्रति भी बुरी भावना मत करो, लेकिन अनन्यता हरि गुरु दो ही से हो और कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि अनन्यता रहे, अनन्यता पर ध्यान देना चाहिए। अपना इष्ट एक, अपना गुरु एक और अपना मार्ग एक साधना का, उसमें अनन्य रहना चाहिए। भले ही लाख कोई बात करे, हमें किसी महात्मा का लेक्चर नहीं सुनना, वो महात्मा है मान लिया, लेकिन हमारे मार्ग का नहीं है, वहां जाकर हमारा श्री कृष्ण प्रेम नहीं बढ़ता, तो महात्मा को नमस्कार है, लेकिन उसका हमें लेक्चर सत्संग नहीं करना है, वो बुक नहीं पढ़ना है जिससे हमारा भगवत प्रेम न बढ़े। वो भले ही शंकराचार्य ने लिखा हो, चाहे वल्लभाचार्य ने, किसी ने लिखा हो, दुर्भावना ना हो, लेकिन उससे अलग हो जाए। अरे भाई देखो, किसी का बेटा सीरियस बीमार हो, वो डॉक्टर के पास जाता है, रास्ते में ताऊ चाचा काका तमाम मिले, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे ठहरो, अभी ठहरना नहीं है, सब वह जो करना चला जा रहा है, लड़का सीरियस है, डॉक्टर को बुलाना जरूरी है कि इनसे गप्पे करें। और दूसरे दिन जब निकला तब खाली था, जो भी रास्ते में मिला उससे 10 मिनट गप कर रहा हूं। तो हमारे पास समय नहीं इतना, जीवन का ठिकाना नहीं, कल का दिन मिले न मिले, इसलिए हमें अनन्यता पर ही ध्यान देना है। सदा अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मार्ग, इन तीनों पर ध्यान देना है। इसके अलावा न कुछ सुनना है, न जानना है, न पढ़ना है, न सोचना है, जल्दी जल्दी चलना है आगे। जितना सफर तय कर ले मनुष्य शरीर के रहते हुए, उतने हमारी कमाई, अगर थोड़ा सफर बाकी रह जाएगा अगले जन्म में पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा समय तो खराब कर दिया, अब थोड़ा सा बचा है, उसमें जितना भी कमा ले। महापुरुषों की बनाई हुई बुक, महापुरुषों का प्रत्यक्ष मिलन, उनका सत्संग भी कुसंग माना गया, कुसंग है। अरे कुसंग कह रहे हो, महापुरुष का संग, हाँ हमारे लिए कुसंग है। हम यहाँ रोज अभ्यास कर रहे हैं, मोतम कौन कुटिल खल कामी, और वो बाबा जी कहते हैं तुम ब्रह्म हो, हमारे लिए कुसंग, दूर से नमस्कार। शंकराचार्य को दूर से नमस्कार, वो महात्मा है, सिख है, लेकिन उनकी फिलॉसफी हमारे काम की नहीं, हम उस क्लास के नहीं है कि उनके क्लास में जाके बैठे, हमें भी सीढ़ी जानते नहीं, लाख लाख में कैसे दाखिला ले ले, और फिर हम प्रेमानंद चाहते हैं, वो ब्रह्मानंद देंगे अगर प्रयत्न करके उनके विद्यार्थी बन भी जाए तो, इतना समय कहाँ, इतनी योग्यता कहाँ, और फिर सीधा सरल मार्ग छोड़ के हम टेढ़ा घुमा करके नाक पकड़े अपनी, ऐसा क्यों करें। और फिर शंकराचार्य भी लौट करके आए उसी भक्ति मार्ग, ब्रह्म ज्ञान के बाद आए। एक गलत बात पढ़ने से, गलत बात सुनने से, गलत बात देखने से, गलत बात चिंतन करने से एकदम कू में आसक्त हो जाता है, कुसंग हो जाता है। इसको खाली रखा मन को क्यों गया, इसको लगाए रहो। एक पंडित जी ने भूत सिद्ध किया, तो दिन भर कहे काम बताओ,
पंडित जी काम बता दें, जावे काम कर जाओ, फिर आ जाए कहे काम बताओ, उनका सोना हराम कर दिया उसने। तो पंडित जी बड़े परेशान, उन्होंने कहा, एक महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा महाराज हमने भूत सिद्ध किया, वो तुम मेरे ऊपर लग गए। उन्होंने कहा एक बांस गाड़ दो और उससे कह दो जब तक काम न बतावे चढ़ो तो। मैंने इसको अगर भगवान और गुरु में न लगाया तो संसार में जाएगा, कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ जो कहे कि नहीं जी हम तो रोके रहेंगे। अरे तुम क्या रोके, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हार गए। ऑटोमेटिक चलती रहे, साइकिल चलती रहे तो बाएं घुमा दो दाएं घुमा दो कुछ भी कर लो, साइकिल को चलाना बंद कर दिया अगर तो गिर जाओगे।